दोस्तों नमस्कार। आइए आज कल्कि पुराण से पढ़ते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपके सबके दिमाग में रही होगी कि कल्कि का कि सवारी घोड़ा जो है उसका सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कलयुग में घोड़े का क्या है मतलब? तो इसमें जो लिखा है ये कल्कि पुराण श्री महर्षि वेदव्यास पंडित है। घोड़ा उनको घोड़ा और एक सुख और विकराल तलवार देते हैं शिव जी। तो घोड़े के बारे में क्या, आज घोड़े के बारे में बात करते हैं। घोड़े के बारे में ये लिखा है इसमें, वो कहते हैं, शिव जी कहते हैं कल्कि अवतार जी से कि यह घोड़ा गरुड़ के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो घोड़ा दिया गया उनको कल्कि जी को, ये घोड़ा गरुड़ के अंश से उत्पन्न हुआ है और यह चाहे जहां जा सकता है। ये सब तो ठीक है। दूसरा, चाहे जहां जा सकता है ये भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा, तथा अनेकों रूप धारण करने वाला है। ये जो अनेकों रूप लिखा है ना, तो अनेक रूप में कलयुग में, कलयुग के हिसाब से अनेक रूप होंगे। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल, या जिस भी रूप में जो भी होगा अब रूप ही धारण कर सकता है। तो इसमें लिखा है एक गुत्थी तो सूरज की, कलयुग में अनेकों रूप धारण कर सकता है। इसका मतलब कल्कि भी अनेकों रूप धारण करेंगे अलग अलग सवारी पे। चमत्कारिक बातें होंगी, रहस्यमय होंगे, छुपे हुए भी होंगे, कभी भी किसी रूप में। जब उनकी सवारी विभिन्न रूप धारण कर सकती है तो वो भी तो करेंगे। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक मिल गया। देखो दोस्तों, ये है, मैं काफी दिन से खोज रहा था, ये बहुत दिनों बाद मुझे मिली, 11 साल बाद मिली मुझे। टॉपिक बड़ा गहरा है कि घोड़े का संबंध ये था कि घोड़ा विभिन्न रूप धारण कर सकता है। जब घोड़ा विभिन्न रूप धारण कर सकता है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, तमाम प्रकार के वाहन कुछ भी बन सकता है, वो लिखा कहीं भी जा सकता है। तो कहीं भी तभी तो जाएगा घोड़ा, जब विभिन्न रूप धारण कर लेगा, वो नीचे धरती पर चलेगा तो आसमान में उड़ भी जाएगा अलग रूप धारण करके। यानी कि कल्कि किसी भी रूप में हम, जैसे उनका सवारी विभिन्न रूप धारण करेगा तो वो कल्कि भी तो विभिन्न रूप धारण करेंगे। बहुत ज्यादा चमत्कारी गोपनीय तरीके से उनका है हिसाब किताब। आज चर्चा घोड़े के बारे में। गरुड़ अंश से उत्पन्न हुआ शिव जी ने दिया, आज घोड़े की बात करेंगे तो उनकी सवारी है। दोस्तों इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। घोड़ा विभिन्न रूप धारण कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। विभिन्न रूपों का मतलब कुछ भी सवारी का विभिन्न, कलयुग में देख लो आप, जब घोड़ा विभिन्न रूप धारण कर सकता है, जो सवारी है किसी भी दिव्य की सवारी विभिन्न रूप धारण कर सकती है, तो वो भी जो साथ में चमत्कारिक दिव्य है वो भी विभिन्न रूप धारण करते होंगे। हो सकता है हमारे बीच में हो। दोस्तों कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में और चर्चा करेंगे आपके कमेंट के बाद। जय हो।